कोरोना से बचाव के लिए अपने देश में ही निर्मित कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, जिसे लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को सलाम किया है। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन के चलते केंद्र सरकार को अपनी हट छोड़ने की नसीहत देते हुए कहा कि किसानों की मांगे जायज है और उन्हें जल्द ही मान लेना चाहिए। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। सर, आज आप यहाँ पहुँचे हैं, हमारे जो नगर पालिका के चेयरमैन बने हैं, उसको लेकर देखिए, जो सांपला वासियों ने जो इस चुनाव में नाम जो सूझबूझ दिखाई है, तो सभी मैं चेयरमैन साहब को भी सारे पार्षदों को हार्दिक बधाई देता हूँ और पूरे सांपला निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनका मैंने जो बहुत अच्छा फैसला लिया है और बहुत अच्छा काम करेंगे, ये जो कमेटी बनी है पूरा काम करेंगे और फिर से इनको बहुत बहुत बधाई देने आया हूँ। सर, एक बीजेपी ये कह रही थी कि आप सिंबल पे नहीं लड़े, शायद आप सिंबल पे लड़ते तो पार्टी का ग्राफ कुछ और बढ़ सकता था, क्योंकि जिस तरह से जो ज्यादातर लोग हैं जीत कर आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। देखिए, हम तो सिंबल पे कभी लड़ते नहीं थे, पहली दफा फैसला किया था कॉरपोरेशन जो है वो सिंबल पे लड़े थे। तो नगर पालिका में आप सिंबल पर नहीं लड़े, लेकिन फिर भी आपने ये कहा, पंचकुला में भी कहा था कि ज्यादातर हमारे ही कार्यकर्ता जीत कर आए। नरवेड़ा से लगाकर सांपला लगाओ, आपका उकलाना लगाओ और सोनीपत लगाओ। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सर, हम 2 सीट जीते हैं, हम सेटिस्फाइड हैं। हम सेटिस्फाइड हैं और क्या करेंगे वो और क्या करेंगे वो ये थोड़ा कि हम सरकार उनकी सारा सामर्थ्य उन्होंने लगाया, सारी ताकत लगाई। या सांपला में कौन कौन आया सब आप साफ सुन ही रहे हो, उनके पार्टी का था सबका काम है करें, क्योंकि सिंबल पर लड़ रहे थे हम, तो बाकी वो कई यही कहेंगे और क्या। एक सर, सालावास में एक जवान शहीद हुआ है और उनकी अंत्येष्टि आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंत्येष्टि, रविंदर जो है शहीद हुआ है, हमारी श्रद्धांजलि है उनको। और देखो, इस इलाके का नाम देश में और प्रदेश में देश में नाम ऊंचा किया उन्होंने, देश की रक्षा में जो भी होता है, तो जननी और जन्मभूमि उनकी सेवा में जो भी जिसकी भी मृत्यु होती है वो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। तो जन्मभूमि के जो देश के लिए जो भी जान नछाड़ता है वो स्वर्ग में भी जाता है और सदा सम्मान रहता है, तो हमारे सिर झुका के उनको सम्मान। एक सर, आपने कहा था कि 29 तारीख को जो किसानों और केंद्र सरकार के बीच